हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर देखने को मिलती है ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन। तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नोटिफिकेशन मेरी नई वीडियो को सबसे पहले। तो स्टूडेंट्स, इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे बीएससी 4 सैम ऑप्टिक्स 2 यूनिट 1 के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के, जिसका नाम है रिटार्डेशन प्लेट्स। स्टूडेंट्स, रिटार्डेशन प्लेट्स को समझने से पहले आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। पहली जानकारी तो ये होनी चाहिए आपको कि रिफ्रैक्शन और डबल रिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस होता है। स्टूडेंट्स, जब कोई रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एक रे ऑफ लाइट जो है वो एयर से ग्लास में जा रही है, मींस रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है। तो जो इंसिडेंट रे थी वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। अगर वो डेंसर से रेयर की तरफ जाएगी तो वो नॉर्मल से अवे हो जाएगी। मीन चाहे वो रेयर से डेंसर में जाए, चाहे डेंसर से रेयर में जाए, तो उसका पाथ में डेविएशन आएगी ही आएगी। मीन्स वो अपने पाथ से डेविएट होगी ही होगी। बट सिंपल रिफ्रैक्शन केस में आपको एक ही रिफ्रैक्टेड रे देखने को मिलती है और सिंपल रिफ्रैक्शन केस में ओबे होता है स्नेल्स लॉ। तो स्टूडेंट्स, ये तो था रिफ्रैक्शन। डबल रिफ्रैक्शन क्या होता है? हमारे नेचर में कुछ ऐसे क्रिस्टल्स भी एग्जिस्ट करते हैं जैसे कि कैल्साइट क्रिस्टल है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल है। जब उनके ऊपर हम अनपोलराइज्ड ऑर्डिनरी लाइट फॉल करवाते हैं तो वो एक की बजाय दो दो रेज में स्प्लिट हो जाती है। मींस उस केस में आपको एक की बजाय दो दो रिफ्रैक्टेड रेज देखने को मिलती हैं। एक होती हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज, जिनकी जो वाइब्रेशन होती हैं वो इन द प्लेन ऑफ द पेपर होती हैं, जिनको हमने एरो से शो किया है फिगर के अंदर। और जो दूसरी होती हैं वो होती हैं ऑर्डिनरी रेज, जिनको हम ओ रेज भी बोलते हैं, और उनकी जो वाइब्रेशन होती हैं वो होती हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, जिनको हम डॉट से शो किया हुआ है फिगर के अंदर। जो ई रेज होती हैं, जो ओ रेज होती हैं, वो एक दूसरे के, उनकी वाइब्रेशन जो होती हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, और दोनों के दोनों जो रेज होती हैं वो प्लेन पोलराइज रेज होती हैं। जो ई रेज होती हैं वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेज इसलिए कहलाई जाती हैं कि वो स्नेल्स लॉ को ओबे नहीं करती, मीन्स ऑर्डिनरी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को ओबे नहीं करती। और जो ऑर्डिनरी रे है, ओ रेज है, उनको ओ रेज क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो ऑर्डिनरी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जैसे कि स्नेल्स लॉ को ओबे करती हैं। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है ओ रेज एंड ई रेज के बीच में, वो ये होता है कि जो ओ रेज होती हैं वो हर डायरेक्शन के अंदर, क्रिस्टल के अंदर, डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल के अंदर हर डायरेक्शन में सेम स्पीड से ट्रेवल करती हैं, जबकि जो ई वेव्स होती हैं वो हर एक डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग स्पीड से मूव करती हैं। ऐसे क्रिस्टल जिनके अंदर हमें दो दो रिफ्रैक्टेड रेज देखने को मिलती हैं, मीन जिनके अंदर हमें डबल रिफ्रैक्शन फिनोमेना देखने को मिलता है, ऐसे क्रिस्टल्स को बोलते हैं डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल्स। और ऐसे क्रिस्टल्स के अंदर एक डायरेक्शन ऐसी जरूर होती है जिसके अलोंग ई एंड ओ रेज की जो स्पीड होती है वो सेम होती है, और उस डायरेक्शन को बोला जाता है ऑप्टिक एक्सिस। जो हमारे पास क्रिस्टल्स हैं, जिनको आपके सिलेबस में क्रिस्टल्स हैं, वो यूनि एक्सियल डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल्स हैं, मीन्स उनके अंदर एक ही ऐसी डायरेक्शन होगी जिसके अलोंग ई एंड ओ रेज की स्पीड सेम होगी। मीन्स यूनि एक्सियल डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल के अंदर एक ही ऑप्टिक एक्सिस होती है, मीन्स एक ही ऐसी डायरेक्शन होती है जिसके अलोंग ई एंड ओ वेव्स की जो स्पीड होती है वो सेम होती है। तो स्टूडेंट, जो डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं नेगेटिव क्रिस्टल, एक होते हैं पॉजिटिव क्रिस्टल। नेगेटिव क्रिस्टल्स क्या होते हैं? नेगेटिव क्रिस्टल्स के अंदर जो हमारे पास ई रेज की जो स्पीड होती है वो ओ रेज से ज्यादा होती है। और नेगेटिव क्रिस्टल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कैल्साइट क्रिस्टल। और जो हमारा दूसरे टाइप का जो क्रिस्टल होता है वो होता है पॉजिटिव क्रिस्टल। पॉजिटिव क्रिस्टल में जो ई रेज की जो स्पीड होती है वो ओ रेज से कम होती है। और पॉजिटिव क्रिस्टल का सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारे पास क्वार्ट्ज क्रिस्टल। नेगेटिव क्रिस्टल के अंदर ई रेज की स्पीड ज्यादा होने का मतलब क्या है कि जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा नेगेटिव क्रिस्टल का फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज वो कम होगा एज कम्पेयर टू ऑर्डिनरी रे। और ऑर्डिनरी रे में जो हमारे पास पॉजिटिव क्रिस्टल है, पॉजिटिव क्रिस्टल में ई रेज की जो स्पीड होती है वो कम होती है ओ रेज के कंपैरिजन में। अगर स्पीड कम है ए रे की, मतलब कि ई रे के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा पॉजिटिव क्रिस्टल का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी रे। स्टूडेंट, जो हमारी आज की डिस्कशन है वो सिर्फ नेगेटिव क्रिस्टल्स के ऊपर ही सीमित रहेगी, मीन्स हम नेगेटिव क्रिस्टल की ही बात करेंगे। और नेगेटिव क्रिस्टल का सबसे अच्छा एग्जांपल है कैल्साइट क्रिस्टल, कैल्साइट क्रिस्टल की बात करेंगे। देखिए स्टूडेंट, जब हम
ऑर्डिनरी अनपोलराइज रेज ऑफ लाइट को फॉल करवाते हैं कैल्साइट क्रिस्टल के ऊपर, वो दो रेज में स्प्लिट हो जाती है, ई रे एंड ओ रे। कैल्साइट क्रिस्टल के अंदर ई रेज की जो स्पीड होती है वो ओ रेज से ज्यादा होती है। मीन्स जैसे जैसे वो डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी कैल्साइट क्रिस्टल के अंदर ओ रे एंड ई रे, तो उनके बीच में पाथ डिफरेंस आएगा ही आएगा, क्योंकि दोनों की जो स्पीड में डिफरेंस है, ई रेज की स्पीड ज्यादा है, ओ रे की स्पीड कम है। तो पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस होगा जब वो कैल्साइट क्रिस्टल में से पास होकर निकलेंगी। तो जब वो बाहर निकलेगी तो उनमें कुछ ना कुछ पाथ डिफरेंस आ चुका होगा। और स्टूडेंट आप जानते हैं पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में क्या रिलेशन होता है, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। अगर पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस हो रहा है ई एंड ओ रेज के बीच में तो फेज डिफरेंस तो आएगा ही आएगा। तो ऐसी प्लेट्स जो कि यूनिएक्सियल डबली रिफ्रैक्टिंग कैल्साइट क्रिस्टल में से कट की जाती हैं, और कैल्साइट क्रिस्टल कैसा लेना है आपने कि उसकी जो ऑप्टिक एक्सिस है उसके रिफ्रैक्टिंग सरफेस के पैरेलल होनी चाहिए, ऐसा कैल्साइट क्रिस्टल लेना है। यूनिएक्सियल डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल है कैल्साइट क्रिस्टल, उसमें से एक छोटी सी प्लेट कट करनी है जो ई रे एंड ओ रे के बीच में पाथ डिफरेंस पैदा करेगी, फेज डिफरेंस पैदा करेगी, ऐसी प्लेट को बोला जाता है रिटार्डेशन प्लेट। और ये फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस क्यों आ रहा है ये बात आप ध्यान में रखिए, क्योंकि ई एंड ओ रेज की जो स्पीड होती है कैल्साइट क्रिस्टल के अंदर वो डिफरेंट होती है, ई रेज की ज्यादा होती है, ओ रेज की कम होती है। तो ऐसी प्लेट्स को बोला जाता है रिटार्डेशन प्लेट। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे रिटार्डेशन प्लेट की क्या होती है, उसके बाद हम देखेंगे इसके टाइप्स। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं रिटार्डेशन प्लेट की डेफिनेशन। A retardation plate is that plate which is cut from doubly refracting uniaxial crystal with its optic axis parallel to refracting surface, which may be used to introduce a given phase or path difference between E and O waves traveling normally through them. देखिए स्टूडेंट, रिटार्डेशन प्लेट एक ऐसी प्लेट होती है जो कि यूनिएक्सियल डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल में से कट की जाती है, और उस क्रिस्टल की जो ऑप्टिक एक्सिस होगी उसके रिफ्रैक्टिंग सरफेस के पैरेलल होगी। अभी मैं आपको ड्रॉ करके बताऊंगा हम कैसे ड्रॉ करेंगे इसको। विच मे बी यूज टू इंट्रोड्यूस गिवन फेज और पाथ डिफरेंस बिटवीन ओ एंड ई वेव्स। देखिए स्टूडेंट, जब एक ऑर्डिनरी रे को हम नॉर्मली फॉल करवाते हैं यूनिएक्सियल क्रिस्टल के ऊपर, डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल के ऊपर, तो आपको दो दो वेव्स देखने को मिलती है, ई वेव्स एंड ओ वेव्स। दोनों की जो स्पीड होती है कैल्साइट क्रिस्टल के अंदर वो डिफरेंट होती है, ई वेव्स की ज्यादा होती है स्पीड, ओ वेव्स की कम होती है। तो उनके अंदर पाथ डिफरेंस आएगा ही आएगा, पाथ डिफरेंस आएगा तो फेज डिफरेंस भी आएगा ही आएगा, क्योंकि फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में रिलेशन होता है, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। तो स्टूडेंट्स इन्हें बोलते हैं रिटार्डेशन प्लेट। तो रिटार्डेशन प्लेट जो होगी वो मान लीजिए ये है आपकी रिटार्डेशन प्लेट, जिसकी थिकनेस है डी। इसके ऊपर आपने ऑर्डिनरी लाइट फॉल की, ऑर्डिनरी लाइट जो होती है वो अनपोलराइज्ड लाइट होती है, और उसको हम एक डॉट और एक एरो की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑर्डिनरी लाइट के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वाइब्रेशन होती है वो हर डायरेक्शन में होती है। तो स्टूडेंट जैसे ही ये अनपोलराइज्ड लाइट इस कैल्साइट क्रिस्टल के ऊपर फॉल करेगी, ये है इसकी रिफ्रैक्टिंग सरफेस PQ, और जो इसकी ऑप्टिक एक्सिस है वो उसकी रिफ्रैक्टिंग सरफेस के पैरेलल लेनी है। तो ये एक कैल्साइट क्रिस्टल था जिसकी ऑप्टिक एक्सिस जिसके रिफ्रैक्टिंग सरफेस के पैरेलल थी, तो उसमें से एक प्लेट कट कर ली हमने। तो होगा क्या स्टूडेंट्स, यहां से ये फॉल करेगी नॉर्मली, तो ये दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगी, एक डॉट अलग हो जाएंगे, एरोज अलग हो जाएंगी, डॉट अलग हो जाएंगे, एरोज अलग हो जाएंगी, क्योंकि ओ वेव्स की जो स्पीड होती है कैल्साइट क्रिस्टल के अंदर वो हर डायरेक्शन में सेम होती है। तो जो आपको ऑर्डिनरी वेव फ्रंट मिलेगा वो स्फेरिकल फॉर्म में मिलेगा, और क्योंकि ई वेव्स की जो स्पीड होती है कैल्साइट क्रिस्टल के अंदर वो ओ वेव से ज्यादा होती है, तो इसलिए आपको और हर डायरेक्शन में डिफरेंट होती है स्पीड ई वेव्स की, तो आपको जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव फ्रंट देखने को मिलेगा वो एलिप्सॉइड की फॉर्म में होगा। ये है आपका ई वेव फ्रंट, ये है आपका ओ वेव फ्रंट। तो इस तरह से जो वेव्स है वो ट्रेवल करती है कैल्साइट क्रिस्टल के अंदर नॉर्मली जाती हैं। ई और ओ वेव्स की जो डायरेक्शन है वो सेम है, सेम डायरेक्शन में प्रोपोगेट करती हैं, बट इनकी स्पीड का डिफरेंस है, ई वेव्स की स्पीड ज्यादा है एज कम्पेयर टू ओ वेव्स, उनके बीच में पाथ डिफरेंस आएगा, पाथ डिफरेंस आएगा तो फेज डिफरेंस आएगा। तो ये होती है प्लेट जो फेज डिफरेंस प्रोड्यूस करती है ई और ओ वेव्स के बीच में, ऐसी प्लेट्स को बोला जाता है रिटार्डेशन प्लेट। और ये जो प्लेट है वो कट की जाती है डबली रिफ्रैक्टिंग यूनिएक्सियल क्रिस्टल में से, जिनकी ऑप्टिक एक्सिस जो होती है रिफ्रैक्टिंग सरफेस के पैरेलल होती है। अब डिपेंड करता है इसकी थिकनेस के ऊपर कि ये कितना पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस करेंगी ईओ और ओ के बीच में। अगर वो
लैम्डा बाय 4 का पास डिफरेंस प्रोड्यूस कर रही है ई और ओ वेव्स के बीच में, तो रिटार्डेशन प्लेट का नाम पड़ जाता है क्वार्टर वेव प्लेट। अगर इसकी थिकनेस इस प्रकार से है रिटार्डेशन प्लेट की कि वो ई और ओ वेव्स के बीच में लैम्डा बाय 2 का पार डिफरेंस प्रोड्यूस कर रही है, तो उस प्रकार की रिटार्डेशन प्लेट को बोला जाता है हाफ वेव प्लेट। तो आपके सिलेबस में दो टाइप्स की रिटार्डेशन प्लेट है, एक है क्वार्टर वेव प्लेट, एक है हाफ वेव प्लेट। इनको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे, वो करेंगे हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए पढ़ते हैं क्वार्टर वेव प्लेट के बारे में, जो कि हमारी पहले टाइप की रिटार्डेशन प्लेट। क्वार्टर वेव प्लेट जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में QWP लिखूंगा। QWP इज अ प्लेट व्हिच इज अ कट फ्रॉम अ डबल रिफ्रैक्टिंग यूनिएक्सियल क्रिस्टल सच एज कैल्साइट क्रिस्टल विद इट्स ऑप्टिक एक्सिस पैरेलल टू द रिफ्रैक्टिंग सरफेस व्हिच इंट्रोड्यूसेस अ पाथ डिफरेंस ऑफ लैम्डा बाय 4 और फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाय 2 बिटवीन ई एंड ओ वेव्स ट्रैवलिंग नॉर्मली थ्रू देम। क्वार्टर वेव प्लेट एक ऐसी रिटार्डेशन प्लेट होती है जो कि किसी भी डबली रिफ्रैक्टिंग यूनिएक्सियल क्रिस्टल जैसे कि कैल्साइट क्रिस्टल, और उस कैल्साइट क्रिस्टल में हमने ऑप्टिक एक्सिस कैसे लेनी है, पैरेलल टू द रिफ्रैक्टिंग सरफेस लेनी है, जैसे हमने इस डायग्राम में लिया था। जो ऑप्टिक एक्सिस है इस कैल्साइट क्रिस्टल के रिफ्रैक्टिंग सरफेस के पैरेलल लिया था। तो क्वार्टर वेव प्लेट एक यूनिएक्सियल डबली रिफ्रैक्टिंग कैल्साइट क्रिस्टल में से काटी जाएगी जिसकी ऑप्टिक एक्सिस जो है वो रिफ्रैक्टिंग सरफेस के पैरेलल होगी। और क्वार्टर वेव प्लेट की खास बात क्या होगी, ये ई एंड ओ वेव्स के बीच में कितना पाथ डिफरेंस प्रोड्यूस करेगी, जैसे कि नाम से पता लग रहा है क्वार्टर, क्वार्टर कितना वेवलेंथ का क्वार्टर, लैम्डा बाय 4 का पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस करेगी ये ई और ओ वेव्स के बीच में। अगर पाथ डिफरेंस जो है वो लैम्डा बाय 4 है, तो आपको पता है रिलेशन जो होता है फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच में वो ये होता है, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 4 है तो इसे सॉल्व करके जो आपका आ जाएगा वो पाई बाय 2 आ जाएगा। कहने का मतलब ऐसी रिटार्डेशन प्लेट जो ई एंड ओ वेव्स के बीच में लैम्डा बाय 4 का पाथ डिफरेंस प्रोड्यूस कर दें, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि वो पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस प्रोड्यूस कर दें ई एंड ओ वेव्स के बीच में, और जो ई एंड ओ वेव जो होंगी इस कैल्साइट क्रिस्टल में से सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगी, बट नॉर्मली ट्रेवल करेंगी, नॉर्मल डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगी। ऐसी रिटार्डेशन प्लेट्स को बोला जाता है क्वार्टर वेव प्लेट जो लैम्डा बाय 4 पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस करती है ई एंड ओ वेव्स के बीच में। अब हम निकालेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर क्वार्टर वेव प्लेट की वो थिकनेस, मींस ये थिकनेस कितनी होनी चाहिए ताकि वो लैम्डा बाय 4 का पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस करा पाए ई एंड ओ वेव्स के बीच में, ये देखेंगे हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं कि आप क्वार्टर वेव प्लेट में और क्या ऐड करके आएंगे। Consider that an ordinary monochromatic light of wavelength lambda is incident normally on quarter wave plate. हमने एक ordinary unpolarized light जिसकी wavelength lambda है उसको एक quarter wave plate QWP के ऊपर fall करवाई है जिसकी optic axis इस refracting surface के parallel है। तो होगा क्या आगे देखते हैं। The wave gets splitted into two components, that is O and E components. जो क्या होगा, तो हमारी जो unpolarized light होगी मीन्स ऑर्डिनरी लाइट होगी वो दो कंपोनेंट में स्प्लिट हो जाएगी, एक होंगे ओ कंपोनेंट, एक होंगे ई कंपोनेंट्स। दीज कंपोनेंट ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन बट विद डिफरेंट स्पीड्स। अब क्या होगा, ये दोनों कंपोनेंट जो है वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे, डॉट मीन्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर कंपोनेंट्स, और एरो वाले कंपोनेंट जिनको हम बोलते हैं इन द प्लेन ऑफ द पेपर कंपोनेंट जिनको हम बोलते हैं ई कंपोनेंट्स, ये दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे बट इनकी जो स्पीड होगी वो डिफरेंट होगी। ई रेस की जो स्पीड होगी वो ज्यादा होगी, ओ रेस की कम होगी। मींस यहाँ पर पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस होगा इन दोनों कंपोनेंट्स के बीच में, मींस यहाँ पर फेज डिफरेंस इंट्रोड्यूस होगा इन दोनों कंपोनेंट्स के बीच में। और क्वार्टर वेव प्लेट कितना पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस करेगी इनके बीच में, लैम्डा बाय 4 पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस करने वाली है। लेट वी ओ एंड वी ई where V is greater than VO be the speed and of O and E components in quarter wave plate, क्योंकि यहाँ पर हम quarter wave plate जो है वो calcite crystal से बना रहे हैं, इसलिए जो V0 है और VE है इन दोनों, VO है ordinary component की speed, VE है extraordinary component की speed इस quarter wave plate के अंदर, क्योंकि calcite crystal से बनाई हुई है इसलिए VE जो है वो V0 से ज्यादा होगा, means extraordinary component की जो speed होगी वो ordinary component से ज्यादा होगी। Let T0 and TE be the time taken by O and E components to travel a distance d in quarter wave plate. हमने distance जो है वो d लिया है, thickness जो है वो quarter wave plate की d लिया है, small d लिया है। तो small d distance travel करने में ordinary components को जितना time लग रहा है उसको हमने T0 लिया है, और d distance travel करने में extraordinary components को जितना time लग रहा है उसको हमने TE लिया है। जैसा कि आप स्टूडेंट जानते हैं टाइम जो होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो T0 की वैल्यू हो जाएगी D अपॉन V0 और TE की वैल्यू हो जाएगी D अपॉन VE।
डी है डिस्टेंस और वी ही है स्पीड ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंपोनेंट्स। टाइम डिफरेंस निकालेंगे। देखिए स्टूडेंट, टी ओ ज्यादा होगा कि टी ई ज्यादा होगा? ओ कंपोनेंट्स को ज्यादा टाइम लगेगा डी डिस्टेंस ट्रेवल करने में कि ई कंपोनेंट्स को ज्यादा टाइम लगेगा? टाइम उसको ज्यादा लगेगा जिसकी स्पीड कम होगी, और स्पीड किसकी कम है यहाँ पर? ऑर्डिनरी कंपोनेंट्स की स्पीड कम है एज कम्पेयर टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंपोनेंट। जब टाइम डिफरेंस निकालेंगे आप डेल्टा टी की जब वैल्यू निकालेंगे तो टी जीरो में से टी ई माइनस करेंगे। तो जो डेल्टा टी निकाला है आपने वो टी जीरो को टी ई में से माइनस करके निकाला है, क्योंकि टी जीरो जो है वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू टी ई। तो टी जीरो की जो वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास डी अपॉन वी जीरो, वो हमने पुट कर दी। जो टी ई की वैल्यू होगी वो डी अपॉन वी ई होगी, हमने निकाल चुके हैं ऊपर, यहाँ से डी कॉम्पन ले लिया, अंदर बचेगा 1 अपॉन वी जीरो माइनस 1 अपॉन वी ई। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर सी से डिवाइड करना है, सी से मल्टीप्लाई करना है। सी से डिवाइड करने के बाद डी अपॉन सी आ जाएगा, और सी से मल्टीप्लाई करने के बाद सी अपॉन वी जीरो माइनस सी अपॉन वी ई आ जाएगा। और सी है वेलोसिटी ऑफ लाइट और वी जीरो है स्पीड ऑफ ऑर्डिनरी कंपोनेंट। सी अपॉन वी क्या होता है? सी अपॉन वी होता है इफेक्टिव इंडेक्स। तो सी अपॉन वी जीरो क्या हो जाएगा? म्यू जीरो। सी अपॉन वी ई क्या हो जाएगा? म्यू ई। म्यू ओ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्वार्टर वेव प्लेट फॉर ऑर्डिनरी कंपोनेंट्स, और म्यू ही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्वार्टर वेव प्लेट फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेस। तो स्टूडेंट्स आगे निकालेंगे हम पावर डिफरेंस। पावर डिफरेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम डिफरेंस। स्पीड है सी, टाइम डिफरेंस डेल्टा टी, हम ये निकाल चुके हैं। ये पूरा का पूरा जो है वो टाइम डिफरेंस है दोनों कॉम्पोनेंट्स के बीच में, और उसकी वैल्यू है डी अपॉन सी इंटू म्यू ओ माइनस म्यू ई। सी से सी कैंसिल हो गया, और पावर डिफरेंस क्वार्टर वेव प्लेट कितना प्रोड्यूस करती है? लैम्डा बाय 4 प्रोड्यूस करती है। तो पावर डिफरेंस की जगह आपने लैम्डा बाय 4 लिख देना है, और पावर डिफरेंस यहाँ से कितना निकला है? डी इंटू म्यू ओ माइनस म्यू ई। तो यहाँ से सॉल्व करके आप डी की वैल्यू निकालो, डी की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा अपॉन 4 म्यू ओ माइनस म्यू ई। तो स्टूडेंट्स इतनी थिकनेस की आपको क्वार्टर वेव प्लेट प्रोड्यूस लेनी पड़ेगी, इतनी थिकनेस की आपको प्लेट कट करनी पड़ेगी कैल्साइट क्रिस्टल में से, ताकि वो लैम्डा बाय 4 का पार्ट डिफरेंस इंट्रोड्यूस करा पाए ई एंड ओ कंपोनेंट्स के बीच में। तो स्टूडेंट्स ये था आपके पास क्वार्टर वेव प्लेट। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे दूसरी रेडिएशन प्लेट जो कि है हाफ वेव प्लेट। तो स्टूडेंट चलिए बात करते हैं आपके सिलेबस में प्रेजेंट दूसरी रेडिएशन प्लेट के, जिसका नाम है हाफ वेव प्लेट। हाफ वेव प्लेट एक ऐसी प्लेट होती है जिसको कट किया जाता है डबली रिफ्रैक्टिंग यूनिएक्सियल क्रिस्टल, जैसा कि कैल्साइट क्रिस्टल है उसमें से कट किया जाता है, और उसकी जो ऑप्टिक एक्सिस होती है वो पैरेलल टू द रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती है। इसकी जो थिकनेस होती है हाफ वेव प्लेट की वो इस तरह रहती है कि ये अपने में से पास होने वाली ई एंड ओ वेव्स को में कितना पावर डिफरेंस प्रोड्यूस करती है? लैम्डा बाय 2 पावर डिफरेंस प्रोड्यूस करती है। जैसा कि नाम से पता लग रहा है हाफ वेव प्लेट, मींस ये हाफ ऑफ वेवलेंथ जितना, मींस लैम्डा बाय 2 जितना पावर डिफरेंस प्रोड्यूस करती है। अगर पावर डिफरेंस लैम्डा बाय 2 है तो जो रिलेशन होता है फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू पावर डिफरेंस। अगर पावर डिफरेंस लैम्डा बाय 2 पर रख देंगे आप तो फेज डिफरेंस जो है पाई निकल के आएगा। मींस हाफ वेव प्लेट ऐसी प्लेट होती है, ऐसी रिटार्डेशन प्लेट होती है जो पावर डिफरेंस प्रोड्यूस करे लैम्डा बाय 2 का, और आप ये भी कह सकते हैं कि फेज डिफरेंस प्रोड्यूस करे पाई का, किसके बीच में? ई एंड ओ कंपोनेंट्स के बीच में, जो कि उसमें से नॉर्मली पास होंगे। तो स्टूडेंट्स डेफिनेशन देख लेते हैं हाफ वेव प्लेट की, बिल्कुल क्वार्टर वेव प्लेट की तरह ही डेफिनेशन है, बस आपने आप पावर डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस की जो वैल्यूज चेंज कर देनी है। इट इज अ प्लेट कट फ्रॉम अ यूनिएक्सियल डबली रिफ्रैक्टिंग कैल्साइट क्रिस्टल विद इट्स ऑप्टिक एक्सिस पैरेलल टू द रिफ्रैक्टिंग सरफेस विच इंट्रोड्यूसेस अ पावर डिफरेंस ऑफ लैम्डा बाय 2 और फेज डिफरेंस ऑफ पाई बिटवीन ई एंड ओ कंपोनेंट्स ट्रैवलिंग नॉर्मली थ्रू देम। तो ये पावर डिफरेंस लैम्डा बाय 2 का और फेज डिफरेंस जो है पाई का प्रोड्यूस करेगी ई एंड ओ कंपोनेंट के बीच में, और इसको बनाया जाएगा, इसको कट किया जाएगा डबली रिफ्रैक्टिंग कैल्साइट क्रिस्टल में से, जिसकी ऑप्टिक एक्सिस जो होगी वो रिफ्रैक्टिंग सर्फेस के पैरेलल होगी। और जो उसकी डेरिवेशन है वो बिल्कुल क्वार्टर वेव प्लेट की तरह ही, सारी लाइनें आपने कॉमन लिखनी है, बस लास्ट में हमने क्वार्टर वेव प्लेट में जो पावर डिफरेंस लिया था वो लैम्डा बाय 4 लिया था। हाफ वेव प्लेट के केस में आप यहाँ पावर डिफरेंस लैम्डा बाय 2 लेंगे तो जो आपके आंसर में डी की वैल्यू में जो 4 आ रहा था नीचे, 4 की बजाय यहाँ पर 2 आएगा, बाकी सारी डेरिवेशन आप सेम करेंगे। तो रिटार्डेशन प्लेट जो है आपको 4-5 मार्क्स में आएगा, जिसमें आपको डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी रिटार्डेशन प्लेट की, वो डायग्राम बनाना पड़ेगा, और दोनों प्लेट्स की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ड्राइव करने पड़ेंगे उनकी थिकनेस के लिए। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच।